सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज नया लेसन शुरू करेंगे हम। ये ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। पार्ट वन के अंतर्गत इसमें देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार का संतुलन। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ ए कंट्री। आयात और निर्यात के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी एक्सपोर्ट निर्यात माइनस इम्पोर्ट, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष। इट इज़ ए कम्प्रहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंस ऑफ भुगतान शेष के अंतर्गत एक निश्चित समय के दौरान देशवासियों का विश्व के साथ आर्थिक लेन देन का पूर्ण लेखा भुगतान शेष कहला जाता है। थर्ड पॉइंट है एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात। व्हेन ए नेशन स्टैंड इट्स होम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स टू आउटसाइड कंट्रीज, दीज आर कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। जब एक देश घरेलू निर्मित उत्पादों को दूसरे देशों में भेजता है उसे निर्यात कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ वन कंट्री विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा से विनिमय को विदेशी विनिमय कहा गया है, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। जब एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में उसको बदला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनुकूल भुगतान शेष। इट इज़ ए सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज मोर देन इम्पोर्ट्स। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ रोड्स विच कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज उसको कहते हैं। ये एक सड़कों का जाल है जिससे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। ये सारे पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद याद करेंगे।